दिल्ली के इंद्रपुरी में पानी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया तो संगम विहार में पानी को लेकर लोग आपस में ही लड़ गए। दिल्ली के नजफगढ़ में भी बीजेपी के डिप्टी मेयर सतपाल मलिक के नेतृत्व में जल बोर्ड के दफ्तर पर महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डंपर ने एक होंडा सिटी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रमेश चव्हाण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रमेश चव्हाण की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जा गिरी। तभी वहां ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाली वैगनार गाड़ी आ रही थी। इन दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। वैगनार गाड़ी में सवार एक ही परिवार के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई में जमकर हो रही बारिश की वजह से लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। कुर्ला में जगह जगह जल भराव से आवाजाही में हो रही है दिक्कतें तो जोगेश्वरी इलाके में एक सोसाइटी की दीवार गिर जाने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ। कोलकाता में बंगाल की खाड़ी में खड़े जहाज के कंटेनर में लगी आग पर करीब 65 घंटे के बाद काबू पाया गया। भारतीय वायुसेना की मदद से आग को बुझाया गया। आपको बता दें कि 14 जून को रात करीब 11 बजे के आसपास आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि करीब 15,000 लीटर पानी आसमान से बरसाकर 90 मिनट में आग बुझाई गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।